नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि प्रेग्नेंट होना चाहते हैं महीने में कितने दिन और कब संपर्क में रहना चाहिए, गर्भ धारण के लिए क्या उचित समय होता है। इस विषय पे आज हम पूरी बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, और अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बेहतरीन टिप्स बताई जाती है। फ्रेंड्स, गर्भ धारण करने के लिए एक महिला के एग और पुरुष के स्पर्म की आवश्यकता होती है, लेकिन महिला के शरीर में एग रिलीज होने यानी कि जब महिला के अंडाशय से एग निकलता है वो समय निर्धारित होता है। हमें उस वक्त को समझना चाहिए। ये तो हुई पहली बात, पहली आवश्यकता, फर्स्ट नीड। दूसरी बात कि स्पर्म एक महिला के शरीर में 3 से 4 दिन कम से कम जीवित रहते हैं। तो अगर एक महिला को ओविलेट होने से 2 दिन या 3 दिन पहले भी संपर्क हुआ है तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन सही तरीका क्या है? कंडीशंस तो कई होती हैं। कई महिलाओं को इरेगुलर पीरियड होते हैं, कई को पीसीओडी है, एग रिलीज हो रहा है नहीं हो रहा है बिल्कुल पता नहीं लग रहा, रेमेडीज भी फॉलो कर रहे हैं, मेडिकेशन भी चल रहा है। तो संपर्क कैसे रखें, क्या ट्रिक होना चाहिए कि भाई कुछ चीजें हमें ऑब्जर्व हुई या कुछ ट्रिक हो तो उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्टेक्ट में रह सकें और गर्भ धारण हो पाए। तो महिला को अपने बॉडी में कुछ सिम्टम्स नोटिस करने हैं। बढ़ा हुआ लिबिडो, ओवुलेशन होने से पहले होने वाला डिस्चार्ज जो कि पानी जैसा चिपचिपा होता है, पारदर्शी होता है, स्ट्रेची होता है, इस तरीके से स्ट्रेच होता है वो डिस्चार्ज। तो जब भी आपको ऐसा डिस्चार्ज महसूस होता है आप संपर्क में रहें। अगर एग रिलीज हुआ है तो गर्भ धारण बहुत सरल हो जाएगा। गर्भ धारण होने के लिए केवल एग रिलीज होना ही नहीं बल्कि एग की अच्छी क्वालिटी होना भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप मेरी बताई हुई स्त्री बीज इंप्रूवमेंट टिप्स, एग क्वालिटी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि डाइट एंड लाइफ स्टाइल से है और सरलता से आप अपनी एग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अदरवाइज प्रेग्नेंट तो हो सकते हैं, हो भी जाते हैं, लेकिन कई बार 6 से 8 हफ्ते के बाद भी हार्ट बीट नहीं आती बच्चे में और आपको अबॉर्शन कराना पड़ता है। तो एग क्वालिटी पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि ओविलेशन पे या कंसीव करने पे दिया जाता है। जिन महिलाओं में पीरियड रेगुलर है, 30 दिन 28 दिन में पीरियड आते हैं, तो 14 दिन 12 दिन से लेकर 16-18 दिन के बीच में उनको ओविलेशन होता है और वो परफेक्ट टाइम है कॉन्टेक्ट का, ये तो हो गई एक आइडियल बात। अगर आपके हार्मोन नियमित हैं, जिनको बहुत सरलता से गर्भ धारण हो जाता है उनके लिए चीजें बहुत आसान है, उनके ओविलेशन रेगुलर है। लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं ताकि आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और आपको तरीका पता चल सके कि हमें क्या करना है। तो हो सकता है कि इनफर्टिलिटी रेगुलर पीरियड की वजह से, पीसीओडी की वजह से, ओविलेशन समय पे नहीं हो रहा हो, तो आप स्लिपरी डिस्चार्ज को नोटिस करें और उस समय संपर्क में रहें। अब वो महीने के किसी भी दिन में हो सकता है, पीरियड के जस्ट बाद, महीने के बीच के दिनों में, अगला पीरियड आने से भी कुछ समय पहले। यूं तो थंब रूल है कि ओविलेशन होने के 14 डेज बाद ही नेक्स्ट पीरियड आते हैं, लेकिन इरेगुलर पीरियड में भी कई बार 7 से 8 दिन पहले भी कई केसेस में देखा गया कि ओविलेट महिलाएं कर लेती हैं, हो जाता है शरीर में, मेडिकेशन ले रहे हैं तो भी ऐसा पॉसिबल है। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, आपको सिम्टम ऑब्जर्व करने हैं, स्लिपरी डिस्चार्ज ऑब्जर्व करना है, हाई लिबिडो ऑब्जर्व करना है, पेट में एक तरफ क्रैम्पिंग हो रही है उसको भी समझना है क्योंकि वो ओविलेशन का लक्षण होता है। इसके अलावा बेसल बॉडी टेम्परेचर का अगर आप ट्रैक रखते हैं पूरे महीने तो वो आपकी बहुत मदद करेगा, आपकी बॉडी के स्टेटस को वो उस चार्ट में शो करेगा कि यस ये आपका ओविलेशन समय चल रहा है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अपने सवाल का जवाब मिल चुका होगा और अब आप इसी तरीके से प्रयास करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।